हेलो, हाय एवरीवन। आज इस लेसन में हम सीखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। जब भी हम किसी पार्टी में जाते हैं या किसी से नई नई फ्रेंडशिप करते हैं, कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं या किसी कलीग से बात करते हैं या टेलीफोन पर फर्स्ट टाइम किसी से बात करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है सेल्फ इंट्रोडक्शन की। तो आज इस लेसन में हम सीखेंगे कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात आती है आपके नाम की। जब भी आप अपना नाम किसी को बताएंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे। कई बार आपने नोटिस किया होगा, जब भी कुछ लोग अपना नाम बताते हैं, या तो उनका नाम उनके मुंह से नहीं निकलता, या ऐसे बताते हैं जैसे वो अपना नहीं किसी दूसरे का नाम बता रहे हो। तो सबसे पहले आप अपना नाम कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे। जो भी आपका नाम है, आप कह सकते हैं माई नेम इज राकेश शर्मा या आई एम रीना। अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हैं तो थोड़ा इनफॉर्मल भी बोल सकते हैं, यू कैन कॉल मी राकेश या एवरी वन कॉल्स मी राकेश। आप मुझे राकेश भी बुला सकते हैं या हर कोई मुझे राकेश बुलाता है। नाम बताने के बाद आप अपनी कंट्री और प्लेस ऑफ रेजिडेंस बताएंगे। अगर आप इंडिया से हैं तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया। अगर आपका होम टाउन लखनऊ है या किसी और जगह है तो आप कह सकते हैं माई होम टाउन इज लखनऊ। माई नेटिव प्लेस का यूज आप नहीं करेंगे। और आप ये भी कह सकते हैं आई एम ओरिजिनली फ्रॉम श्रीलंका, वैसे तो मैं श्रीलंका से हूँ। या आप कह सकते हैं आई वॉज बोर्न इन दिल्ली, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। अब बताएंगे आप अपनी एज के बारे में। जो भी आपकी उम्र है उसके बारे में आप बताएंगे। तब आप कह सकते हैं आई एम ओवर 25, मैं 25 साल से ज्यादा का हूँ। अगर आप अपनी एज एग्जैक्ट नहीं बताना चाहते, तब आप कह सकते हैं आई एम नियरली 30, मैं लगभग 30 साल का हूँ। अगर बिल्कुल ही नहीं बताना चाहते, तब आप कह सकते हैं आई एम अराउंड योर एज, मैं लगभग तुम्हारी उम्र का हूँ। या आप कह सकते हैं आई एम इन माई अर्ली 20s, इसका मतलब है मैं 20 से 25 के बीच का हूँ। या आप कह सकते हैं आई एम इन माई लेट 30s, इसका मतलब है मैं 36 से 40 के बीच का हूँ। अब आपने नेम भी बता दिया, प्लेस भी बता दिया, एज भी बता दी। अब आप बताएंगे अपनी फैमिली के बारे में कि हाउ मेनी मेंबर्स आर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तब आप कहेंगे देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, दे आर माई सिस्टर, माई मॉम, माई डैड। या आप कह सकते हैं देयर आर 4 of us इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में 4 लोग हैं। या आप अगर सिंगल चाइल्ड हैं अपने पेरेंट्स के, तब आप कह सकते हैं आई एम द ओनली चाइल्ड, यानी कि मैं इकलौता बच्चा हूँ अपने पेरेंट्स का। अब आप बताएंगे अपनी जॉब के बारे में। जो भी आपकी जॉब है, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तब आप कहेंगे आई एम एन अकाउंटेंट। अगर आप वर्क कर रहे हैं कहीं एज अ शेफ, तब आप कहेंगे आई वर्क एज अ शेफ। अगर आपके पास इस टाइम कोई जॉब नहीं है, तब आप कहेंगे आई एम आउट ऑफ वर्क। अगर आप कहेंगे कि मेरी जॉब छूट गई है और मैं दूसरी सर्च कर रहा हूँ, तब आप कहेंगे आई एम बिटवीन जॉब्स। अगर आपको कहना है कि मैं 8 साल से बेंगलोर में वर्क कर रहा हूँ, तब आप कहेंगे आई हैव बीन वर्किंग इन बेंगलोर फॉर 8 ईयर्स। अब आप अपनी हॉबीज के बारे में बताएंगे। आप कह सकते हैं आई इंजॉय स्पोर्ट्स एंड मूवीज, मुझे मूवीज में और खेल में बहुत मजा आता है। आई गो टू द सिनेमा फ्रिक्वेंटली, मैं अक्सर सिनेमा जाता रहता हूँ। या आप कह सकते हैं आई एम गुड एट प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, मैं कंप्यूटर गेम्स अच्छे से खेल लेता हूँ। या फिर आप कह सकते हैं माई हॉबीज आर राइटिंग सॉन्ग्स एंड सर्फिंग द इंटरनेट, मेरी जो हॉबीज हैं वो गाने लिखना है और इंटरनेट पे कुछ कुछ ढूंढना है। अगर आप करेंटली स्टडी कर रहे हैं, तब आप कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट एट DPS। अगर आप कॉलेज में हैं, तब आप कहेंगे आई स्टडी मैथ एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं, तब आप कहेंगे आई एम अ फ्रेशमैन। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, तब आप कहेंगे आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब मैं चाहती हूँ कि आप भी प्रैक्टिस करें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने की। एक छोटा सा पैराग्राफ बनाकर या तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें या कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैं देख सकूँ कि आपने प्रैक्टिस की है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड एंड आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।